भाई ओ यहाँ है क्या हो रहा जी आ गई सुहाना वापस नहीं अभी तक नहीं आई है पता नहीं कब आएगी ये लड़की मैं तो पहले ही कह रही थी ना कि रानो अब मुंह फुलाकर बैठने से क्या होगा हा? बस दुआ करो कि तुम्हारी बहू का पहला दिन बहुत अच्छे से जाए अरे बिल्कुल अच्छा गया होगा भाई सुहाना हमारी बहू है ऐसा काम किया होगा कि डायरेक्टर भी दंग रह गया होगा क्यों नहीं तुमसे तो अच्छी एक्टिंग कर ली होगी उसने देखा नहीं क्या रोल किया था मैंने अकबर का चपले और टमाटर खा के ना सब सुन रखी है मैंने अरे इलेश आ गया अरे भाई इलेश बता भाई अरे सुहाना कहाँ है हाँ ऊपर अपने कमरे में चली गई अरे लेकिन ऊपर क्यों गई सब ठीक तो है ना अरे क्या बताऊं मैं आप लोगों को आज शूटिंग का पहला दिन था ना तो एक सीन में ना उसे बहुत रोना था वो रो नहीं पाई तो डायरेक्टर साहब इतना भड़क गए कि इसीलिए अपसेट है वो क्या अरे क्या हुआ ना एक शॉट को सुहाना ने 40 बार किया फिर भी डायरेक्टर साहब हैप्पी नहीं थे तो आखिर में तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने पैकअप ही कर दिया क्या क्या कर दिया अरे सब कुछ पैक कर दिया होगा ना वहाँ जो होगा अरे नहीं नाना जी पैकअप कर दिया मतलब शूटिंग ही बंद कर दी हाँ क्या हुआ सुहाना कमरे में रो क्यों रही है अरे सुहाना दरवाजा खोलो भाई सुहाना दरवाजा खोलो। आप लोग यहाँ पे क्यों क्या हुआ देखना ईशान अंदर रो रही है पता नहीं क्यों सुहाना हाँ पर ये रो क्यों रही है अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा ईशान हाँ पर बहुत रो रही है देखो ना दरवाजा भी बंद कर लिया है अंदर से सुहाना अरे सुहाना भाई हुआ क्या है तुम दरवाजा तो खोलो अरे यार अंदर हो क्या रहा है ये ऐसे कैसे रो रही है सुहाना मुझे तो लगता है इसे अंदर ना कोई चोट लग गई है भैया शूटिंग में अच्छा नहीं कर पाई ना इसलिए रो रही है मैंने तो पहले ही कहा था ना कि मत भेजो उसे शूटिंग में लेकिन आप लोगों ने सुनी नहीं मेरी ओफो ये बहस छोड़ो अब ईशान दरवाजा खुलवाओ ना अरे सुहाना दरवाजा खोलो सुहाना अरे तोड़ दो यार अरे खोलो अरे क्या हुआ आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं पापा क्या हुआ ईशान बड़ी माँ क्या हुआ सुहाना तुम रो क्यों रही थी इलेश बता रहा था कि वहाँ तुम एक्टिंग ठीक से नहीं कर पाए इसलिए रो रही हो हाँ सुहाना इसमें रोने की क्या बात है ठीक है ना अब हर कोई हर काम नहीं कर पाता हाँ रोना आता ना सही यार लेकिन ऐसे अपने कीमती आंसू तो मत बहाओ बेटा कितना रोई मेरी बच्ची देखो आंखें भी सूज गई हैं आग लगे मरे डायरेक्टर को हाँ और देखो ना ऊपर से गला भी दर्द हो रहा होगा बिचारी का सुहाना बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर मैं कल ही जाकर इस डायरेक्टर के बच्चे को ऐसी डांट लगाऊंगा देखना तू उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे चिल्लाने की लेकिन तू रो मत बट दादाजी रोना तो पड़ेगा ना क्यों देखो सुहाना तुम टेंशन मत लो अरे स्टार्टिंग में अमिताभ बच्चन को भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था हाँ। अरे आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं मैं बैड फील करके थोड़ी रो रही थी मैं तो रोने की प्रैक्टिस कर रही थी क्या या कल मुझे 1 take ओके शॉट देना है मैं उसी के लिए रोने की प्रैक्टिस कर रही हूँ दादाजी दादी बड़ी माँ पापा माँ आप लोग देखिए मैं ठीक से रो रही हूँ कि नहीं ओके इलेश भैया प्लीज सीन बताइए ना जरा तो सीन ये है कि तुम्हारे सामने तुम्हारे पिता की लाश पड़ी है गौरी गौरी ये गौरी कौन है पापा ये सीरियल में मेरे कैरेक्टर का नेम है सब मूड तोड़ दिया आप लोगों ने मेरा गौरी क्या हुआ
तू? फील नहीं आ रही, एक मिनट मैं लाश बन जाता। या बेटर। कोई एक्शन तो बोलो ना। एक्शन। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।